हरे राम हरे राम। नमस्ते माँ जी। जीती रहे बनी रहे सदा सुहागन रहे, बेटे से तेरी गोद भरे, मैं जल्दी दादी बन जाऊं मेरी बच्ची। हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम। ले बेटा से अंदर रखिया। जी माँ जी। भगवान एक पोता दे दे मुझे, मेरा परिवार पूरा हो जा, मैं इसी में खुश हो जाऊं और उसके साथ खेल लूं, फिर मैं तेरे दर पर भी आऊं और प्रसाद बांट। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ए बाबू रोहित उठ गया? नहीं माँ जी। तो बेटा उसे जगा दे, उसे ऑफिस भी जाना है। जी माँ जी मैं देखती हूँ। ऑफिस नहीं जाना तुम्हें? क्या यार, ये तुम भी ना। सुनो ना। बोलो। बैठो। क्या बात है, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। रहने दो। रहने दो नहीं, सच कह रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ। बोलो। मेरी गुड मॉर्निंग किसका है? ज्यादा नौटंकी मत करो, ऑफिस जाना है। चलो यार ऑफिस भी चले जाएंगे, तुम्हें पता नहीं मेरे से दूर जाने की लगी रहती है हमेशा। यार आज ऑफिस जाने का मूड नहीं कर रहा। तो मैं क्या करूं? तुम बैठो ना। मुझे बहुत सारे काम, पर मम्मी भी बाहर बैठी है, देखो चलो। तो मम्मी कौन सा बेडरूम के अंदर आ गई है यार? देखो जिद मत करो, मुझे बहुत सारा काम, चलो। सुनो ना। बोलो ना। बैठो, मैं आज ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा। आज शाम को रेडी रहना। क्यों? हम लोग घूमने चलेंगे। ठीक है। वो यार ऐसे डिस्टर्ब मत किया करो। चलो। क्या कर रहा है मेरा बाबू? बाबू बाबू छोड़ो, अब चलो जाओ, ऑफिस नहीं जाना तुम्हें। नहीं जाना ना मुझे ऑफिस। नहाना है फिर खाना है। मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना है यार, तुम समझती क्यों नहीं हो? रोहित अरे ऑफिस जा रहा है तो बिल जमा कर दिए भैया, आज आखिरी डेट है उसकी। अब तो ऑफिस जाना पड़ेगा। अच्छा बाबा जाओ जाओ। माँ भी जब भी परेशान करती है जब मैं कुछ कर रहा होता हूँ। अच्छा मैं ऑफिस चलता हूँ। अच्छा माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जीता रहे बना रहे, भगवान तेरी लंबी उम्र करे, देखभाल कर जाइए। ठीक है। और भैया बिल जमा भी कर जाइए ध्यान से। हाँ माँ बिल्कुल। जी मचला रहा था। कोई बात ना, होता है ऐसा, मैं दादी बनने वाली हूँ। जियो मेरी बच्ची, आ जा। अरे बेटा तू? हाँ माँ। कर दिया था बिल जमा? हाँ माँ बिल तो जमा कर दिया। ठीक है। और सुन। हाँ माँ। बहू का ध्यान रखना तन्नक। क्या हुआ? कुछ ना, हो कर ऐसा जा। सोनिया क्या हुआ तुम्हें? अरे कुछ नहीं, आ गए तुम? हाँ मैं तो आ गया, लेकिन तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो तुम ऐसे लेटी हुई क्यों, और माँ ने बताया कि बहू का ध्यान रखना? माँ तो ना बस कुछ भी कहती है, ठीक हूँ मैं। तुम्हें कुछ हुआ है ना, और तुम मुझसे छुपा रही हो? सोना बेबी बताओ ना क्या हुआ है, क्यों परेशान कर रही हो मुझे? मेरा दिल बैठा जा रहा है यार, बताओ ना क्या हुआ है। नहीं ऐसा नहीं बताऊंगी।
यार ऐसे नहीं बताऊंगी वैसे नहीं बताऊंगी, तुम बता क्यों नहीं रही हो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। आखिर हुआ क्या है, उधर तो मम्मी ने कुछ नहीं बताया, इधर तुम कुछ नहीं बता रही हो, प्लीज बताओ ना यार। सच में सुनना चाहते हो? मैं सच में सुनना चाहता हूँ। ऐसे नहीं बताऊंगी। यार फिर कैसे बताओगी? शोना बेबी जानू मेरा बच्चा बता दे क्या हुआ है। अच्छा सुनो, तुम ना? हाँ मैं ना, कुछ तो हुआ है, तुम बता नहीं रही हो। अच्छा सुनो, तुम ना? हाँ मैं ना, बाप बनने वाले हो। सच? मैं बाप बनने वाला हूँ? सच? ओ शोना तुम नहीं जानती हो आज तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। सुनो हमारे घर में ना सबसे पहले बेटी होगी, और मैंने तो नाम भी सोच के रखा है, इनाया। कितना अच्छा नाम है ना, तुम्हारी तरह स्वीट इनोसेंट सी। मैं भी ये चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ बेटा 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 करती रहती है। तुम मम्मी की टेंशन मत लो, उनको मैं समझा लूंगा, ठीक है ना? बस तुम अपना और इस बच्चे का ध्यान रखो, ठीक है बेबी? और हाँ मैं फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ, तुम रेडी हो जाओ, फिर शॉपिंग के लिए चलते हैं। ओके। बेटा कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं माँ, वो शॉपिंग के लिए जा रहा था थोड़ा। ठीक है चले जाओ, कुछ उल्टी सीधी चीज ना खा ले, इसका अच्छे से ध्यान रखियो, और तू भी सीढ़ी से आराम से उतरियो, कति जावे खुद अकती भाई। ठीक है माँ, मैं इसका अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगा। जाओ और जल्दी लौटियो शाम को। माँ गेट बंद कर लेना। ठीक है कर लूंगी मैं, जाओ। और मैरिज लाइफ कैसी चल रही है आपकी? बहुत अच्छी चल रही है, आप सुनाइए। बढ़िया है। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, अब तो आते भी नहीं हमारे घर पे आप। घर में इतना सारा काम रहता है ना, उसमें बिजी रहती, लेकिन इस बार जरूर आऊंगी। इस बार हम वक्त निकाल के आपके घर डेफिनेटली आएंगे, पक्का श्योर। ठीक है ठीक है, नमस्ते भैया। अच्छा नमस्ते। अरे यार तुम जानते तो हो लड़कियों को। कुछ भी हाँ। कितना टाइम लगाती है सजने संवरने में। बाय द वे ये मेरा दोस्त है मोहित। नमस्ते। नमस्ते। और ये इमरान। नमस्ते। कैसे हो भाई? चलो भाई चलते हैं, लेट हो रहे हैं। हाँ यार लेट हो जाएंगे। हेलो। हाँ सर। सर बस मैं 10 मिनट में आता हूँ। ठीक है अच्छा भाई आप चलो फिर, आपसे मैं फिर कभी मिलता हूँ। ठीक है ठीक है भाई।
सांझ होने को जा रही है पता ना। आगे अरे आगे बेटा। हाँ माँ। ठीक से करवा के लाया चेकअप? हाँ माँ ठीक से करवा लिया। अरे इतना टाइम कैसे लगा दिया? अरे माँ सरकारी अस्पताल में टाइम तो लग ही जाता है ना। अरे तो सरकारी में गया था? हाँ माँ सरकारी में गया था। क्यों? अरे प्राइवेट में जाता अच्छे से चेकअप करवा के लाता इसका। अब सरकारी अस्पताल पहले जैसे नहीं रहे, अब बहुत ज्यादा फैसिलिटी बढ़ चुकी है, अच्छी तरह से चेकअप करते हैं और तो और दवाइयाँ बिल्कुल मुफ्त मिलती हैं। सरकारी में अच्छे से ना होता उसमें ना बताओ लड़की लड़के का, प्राइवेट में ले जा अच्छे से चेकअप करवा कर ला वो बतावा लड़का है लड़की। माँ ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ठीक कह रही हूँ मैं, प्राइवेट में ले जा अच्छे से चेकअप करवा कर ला और मुझे बता बेटी है बेटा। लेकिन माँ ये सब तो गैर कानूनी है ना, प्राइवेट में जाके चेकअप करवाना कि लड़का है कि लड़की। अरे तू मुझे कानून मत सिखा, कानून घर के बाहर चले, यह घर में मेरा कानून चले, मुझे मत बता ये रास्ते। आजकल लड़का और लड़की में अंतर ही क्या है? अरे अंतर है, मैं बताऊंगी कैसा अंतर है। जब वो बड़ी होगी भगवान ना करे तेरी तबीयत खराब होगी और तेरे पास कोई नहीं है और तन्ने वो मेडिकल स्टोर पे दवाई लेना भेज दी, घर की दहली पार करता ही ना जाने उसे कितनी गंदी नजर से देखेंगे। अब भगवान ना करे उसकी गैल कुछ बुराई हो गया तो कहां मुंह दिखाओगा तू? नू बता दे मुझे, तू कह रहा फरकना है? अरे लड़के को तू कहीं भी भेज दे, कुछ डर नहीं, किसी और टाइम भेज दे। माँ ये तुम कैसी बात कर रही हो, वक्त बदल चुका है माँ, अब लोगों की सोच बदल चुकी है, अब लड़की भी किसी भी टाइम किसी भी वक्त कहीं भी आ जा सकती है, लड़कियां भी लड़कों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं माँ। अरे मैं तेरी बकबक ना सुन रही, आगे समझ में, लड़के या तो गैलो गैल सफाई करवा कर जब अंदर घुसिए से लेके। लेकिन माँ तो चल अंदर, आई माँ वाली। माँ ये तुम्हें क्या हो गया है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? चला जा चुप जा, जोर के गुलाम जा। सोनिया 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 तुम रो मत, मैं सब ठीक कर दूंगा ना सोनिया। क्या ठीक कर दोगे तुम, क्या ठीक कर दोगे? तुम्हारी माँ, सुना तुमने तुम्हारी माँ ने क्या कहा? तुम्हारी माँ कहती है अगर लड़की होगी तो हम उसे गिरा देंगे, मैं अपने बच्चे को नहीं गिरा सकती। वो भी तो एक औरत है, फिर वो ऐसा कैसे सोच सकती है? अगर उनकी माँ उनको पैदा होते ही मार देती तो क्या आज इस धरती में होती, क्या तुम होते? अगर मेरी माँ मुझे पैदा होने से पहले मार देती तो क्या मैं आज यहाँ होती? तुम्हारी माँ पोता 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 करती है, कहाँ से लाती है पोता? वो समझ क्यों नहीं रही है इस सृष्टि का आधार हमसे है, अरे उत्पत्ति हम लड़कियों से है, वो क्यों नहीं समझ रही है? लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे को, समझी तुम? मैं समझाऊंगा माँ को, उनकी आंखों पर जो पोते का चश्मा चढ़ा हुआ है उस चश्मे को मैं उतार फेंकूंगा सोनिया। तुम चुप हो जाओ, मैं माँ को समझाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है ना मेरे ऊपर, मैं सब ठीक कर दूंगा सोनिया, अभी आता हूँ। नमस्ते, अकेले आई है? मेहमान आया तेरे घर? तबीयत तो ठीक है तेरी? ठीक हूँ। कैसे हो रही उदासी सी? अब बैठ। क्या बात है, कैसे अकेले आई, बात बता मुझे। माँ मैं घर छोड़ के आ गई हूँ। क्यों आ गई, क्या बात हुई?
माँ मैं पेट से हूँ माँ। अरे तेरी तो बड़ी खुशी की बात है, तो दिक्कत क्यों ले रही है? पर उन्होंने मेरा चेकअप करवाया। फिर चेकअप में लड़की आई है माँ, माँ वो गिराना चाहते हैं मेरे बच्चे को। अरे ऐसा कैसे गिरवा दे होगा? मैं अपने जिगर के टुकड़े को कैसे अपने शरीर से अलग कर दूंगी माँ? अरे ये तो घोर पाप है, तू फोन मिला मैं करूंगी बात। ऐसा कैसे बच्चे को गिरवा देंगे, उसमें जानना है क्या है? और उसकी हिम्मत कैसे पड़ गई तू जाके अली को भेजने की? माँ एक बात बोलू माँ, बुरा मत मानना माँ, आप भाभी के साथ भी तो यही कर रहे हो ना माँ है? आप भी तो वही काम कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए था। ठीक कह रही है बेटी, तू सही टाइम पर आ गई, ना मेरी आंख खोल दे ना तो मैं भी पाप करवाने जा रही थी। हाँ माँ। रोहित अरे बेटा देख सपना आई है। आया माँ। भैया नमस्ते, भाभी नमस्ते। नमस्ते, और ठीक हो सपना? बढ़िया। बेटी मुझे माफ कर दे, मैं अनजाने में बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। अब बेटा हो या बेटी हो मुझे दोनों मंजूर है। कैसी बातें कर रहे हो माँ जी, आपको ये बातें सही टाइम पे समझ में आ गई, मेरे लिए इतना काफी है। बस तू खुश रह मेरी बच्ची, खुश रह तू। नमस्ते भाभी, और ठीक हो? देखा ना माँ, आपसे एक बात कहूँ? हाँ बता बेटा। नाराज तो नहीं होगी? ना ना नाराज ना हो। सपना को फोन करके मैंने यहाँ बुलवाया था। है? हाँ, और सपना प्रेग्नेंट नहीं है, ना ही वो घर छोड़ के आई है। ये तो सिर्फ आपकी आंखें खोलने के लिए हमने ड्रामा रचा था। लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं होता माँ। ठीक कह रहा बेटा, तो मैं दोनों बेटी से अपनी बेटी जैसे ही प्यार करूंगी अब। दोस्तों इस वीडियो के जरिए हम आपको सिर्फ यही बताना चाहते थे कि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं होता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेव गर्ल एंड सेव वर्ल्ड। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और लाइक जरूर करें, ताकि हम इससे भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपके बीच में पेश कर सकें।